मनोज, आपकी पहली सीरियल है, वो भी वेब सीरीज है, तो थोड़ा एक अपने बारे में बताएंगे और वेब सीरीज का आइडिया आपको आया कहाँ से? जी, मैं मेरा बैकग्राउंड है, मैं एडवर्टाइजिंग में रह चुका हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाता था और मुझे ये स्टोरी और जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले है ये मुझे स्टूडियो नेक्स्ट के थ्रू मिला था, जिन्होंने ये क्रिएट किया है, तो रितेश मुड़ी जो हमारे क्रिएटर है उन्होंने ये बनाया था, तो उन्होंने अप्रोच किया था। सो वैसे मुझे सिल्वर ब्लोअर की कहानी और स्क्रीन प्ले मिला था। सो सिंस ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है, सो मुझे काफ़ी हद तक इन टर्म्स ऑफ जिस हद तक जो राइटिंग और जो रिसर्च किया गया था उससे मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव था। सो ये मैंने तुरंत ही बोल दिया कि ये मुझे करना है और मैंने शुरुआत कर ली। सो क्या है एग्जैक्टली व्हिसलब्लोअर? सो ये बेसिकली हमारे एक जो कुछ ट्रू इवेंट्स बेस्ड कहानी है, सो हम कुछ ट्रू इवेंट्स बेस्ड कहानी पे बेस्ड है ये कहानी व्हिसलब्लोअर। तो जो हमारे जो मेन किरदार है संकेत, जो हमारे ऋत्विक जो प्ले कर रहा है संकेत, तो ये हमारा विसल ब्लोअर प्ले हो रहा है, ये विसल ब्लोअर का रोल प्ले कर रहा है और इसके अराउंड ये कहानी है। तो ही प्लेज अ डॉक्टर, ही इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, और वो कैसे सिस्टम को एक्सपोज करता है ये उसके अराउंड कहानी है। आपकी पहली वेब सीरीज़ जहाँ तक सब्जेक्ट से लगता है कि रियलिस्टिक है, तो क्या कुछ रिसर्च किया आपने उसके लिए? हाँ जी, तो ये जब मैं ऑन बोर्ड आया था उसके पहले रिसर्च काफ़ी हद तक हो चुकी थी, तो मुझे रिसर्च वहाँ से बिल्ड करना था, तो मेरी रिसर्च मोर देन स्टोरी, मेरी रिसर्च ऑन जिस तरीके से एग्जीक्यूट करना है उस पर रिसर्च थी, तो काफ़ी टोनालिटी और टेक्सचर्स पे मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा था, जिस तरीके से कैरेक्टर को सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स थे हमारे शो में, सो उसको किस तरीके से स्केच आउट करना है, इनका कैरेक्टर ग्राफ क्या बनाना है, तो उस पर हमने काफ़ी रिसर्च किया था, प्लस लॉजिस्टिक वाइज कि कहाँ पे हमें ये कहानी को बांधना है, कहाँ पे इसकी वर्ल्ड बनानी है, तो हमने वो रिसर्च करने में ज़्यादा इन्वॉल्व था। कलाकारों के चयन के बारे में क्या बताएंगे? जी, हमारे पास तो बहुत ही वी हैव पूल ऑफ ग्रेट टैलेंट्स इन द शो। सो जो हमारे मेन कैरेक्टर है ऋत्विक ने, तो ऑफकोर्स बंदिश बैंडिट में ही डन ए वेरी ग्रेट रोल। सो ऋत्विक हमारे संकेत का जो किरदार है इसमें काफ़ी एफर्टलेसली फिट हो रहा था। जो हमारी दूसरी कैरेक्टर है जो अंकिता, जिन्होंने प्रज्ञा का कैरेक्टर प्ले किया, शी ऑल्सो फिटेड विद दिस कैरेक्टर वेरी ब्यूटिफुली। तो वो जो दोनों का जो एक केमिस्ट्री था वो भी काफ़ी बढ़िया था। देन हमारे पास जो पूल ऑफ एक्टर्स हैं, जैसे कि सचिन सर हो, रवि किशन सर हो या सोनाली मैम हो, ये तो मतलब वी डोंट नीड टू से मच अबाउट देम, इन लोग तो ग्रेट एक्टर्स थे ही, बट इन्होंने काफ़ी कैरेक्टर्स को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। देन वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स जो हमारे शो में है, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है बट बहुत ही प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है इन दिस सपोर्टिंग रोल, जैसे कि हमारे आशीष वर्मा का जो कैरेक्टर है अनु, सो जो रिपोर्टर है, काफ़ी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर और बहुत ही अच्छी तरीके से आशीष ने उसको एग्जीक्यूट किया है। एंड देन हमारे बाकी जो कैरेक्टर्स है, अनुज हुआ, अजहर हुआ, दिनेश हुआ, ये सब शची हुआ, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, और सारे जो कुछ न्यू कमर्स है, कुछ वेरी वेल नोन है बट कुछ वेरी गुड न्यू कमर्स में भी ग्रेट एक्टर्स है, सो इट वॉज अ मिक्स ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंसेस। अच्छा, टाइटल थोड़ा अलग है, विसल ब्लोअर, मतलब व्हाट इज दैट यू आर सजेस्टिंग आउट ऑफ इट? विसल ब्लोअर ये एक इट्स ए टाइटल सेज इट्स ऑल, बट विसल ब्लोअर नाम से पता चलता है कि किस बारे में है। विसल ब्लोअर है जो जो बंदा या बंदी जो सिस्टम में रह के जो सिस्टम को एक्सपोज करता हो, मतलब जो सिस्टम में रह के जिसको पता कि कुछ गलत हो रहा हो, जो उसको एक्सपोज करता है, वो विसल ब्लोअर होता है। तो सो इट टाइटल इज क्लियरली take from that, so that's why this is good. Okay, I gather that the film is about exposing a education scam. अगर आपको याद होगा तो इमरान हाशमी की एक फिल्म आई थी इसी एजुकेशन स्कैम पे। नहीं, ये कोई एजुकेशन स्कैम पे बेस्ड कहानी नहीं है, ये बेसिकली कुछ ट्रू इवेंट्स हमारे देश पे जो हुई थी, कुछ ट्रू इवेंट्स है उस पर बेस्ड कहानी है, जो काफ़ी जगहों पर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इवेंट्स है, तो इन्होंने वो राइटर्स ने उन पे रिसर्च करके काफ़ी
पॉइंट्स या काफ़ी इवेंट्स को उन्होंने जोड़ा हुआ है. तो ये पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर स्कैम या पर्टिकुलर इवेंट पे बेस्ड है नहीं है. तो ये या पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है, मल्टीपल इवेंट्स पे बेस्ड है. सो या विसल ब्लोअर के बाद में आप क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल विसल ब्लोअर फिनिश करने पे हूँ मैं. 16 को रिलीज़ होगा, तो उसके बाद जैसा आई विल टेक अ कॉल कि क्या करना है नेक्स्ट, किस तरीके से उसको नेक्स्ट आगे बढ़ना है. सो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया बिकॉज अभी तो पूरा एनर्जी इज. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.